इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज और अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल की टीम की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों और उम्मत मुस्लिमा को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद के इस पुरमसरत मौके पे मैं एक बात कहना चाहूँगा। अमूमन रमज़ान में हम बड़े इतदाल से खुराक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ईद आते ही हम उस इतदाल को कुछ हद तक भूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से हाजमे के मसाइल, मैदे में जलन और बाज़ अवकात गैर मयारी चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग या इसहाल जैसे अमराज में भी मुब्तला हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए रमज़ान के आखिर पे जब ईद आती है तो उस मौके पे आप खुराक का मुतअद्दिल इस्तेमाल करें, ओवर ईटिंग ना करें, खाएं लेकिन इत्तदाल के साथ, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, मुख्तलिफ चीज़ें खाएं लेकिन थोड़ी मकदार में खाएं, ताकि वो आपके लिए मैदे के और हाजमे के मसाइल पैदा ना करें। इस मौके पे तेज़ मिर्च मसाले और ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, इसी तरह बहुत ज़्यादा जो फिजी ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो अवॉइड करने की कोशिश करें, ताकि आपकी तबीयत बहाल रहे और आप सेहत के साथ जो है वो अपनी ईद भी मनाएं और इससे आगे भी चलें।